लोकतंत्र है, दिल्ली नगर निगम चुनावों की जंग है और जगह है दिल्ली नगर विधानसभा का शकुरपुर वार्ड। इस मैदान में दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री जितेंद्र तोमर 1.5 करोड़ की लागत से आई ब्लॉक में शानदार लाइब्रेरी का शिलान्यास का कार्यक्रम कर रहे थे। इससे पहले कि विधायक और दिल्ली सरकार के नेता यहां पहुंचते, इलाके के बीजेपी कार्यकर्ता और अन्य लोग सभा स्थल पर देशभक्ति की धुन पर नारे लगाते हुए मंच तक पहुंच गए। उसके बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं और स्थानीय नेताओं ने जो भी कुछ किया वो आपके सामने है। देशभक्ति की धुन पर नारे लगाते हुए ये कार्यक्रम स्थल तक पहुंचे और सब कुछ तोड़ फोड़ दिया, मंच को ध्वस्त कर दिया, बैनर उखाड़ दिया, कुर्सियां पलट दी, यहां तक कि शिलान्यास का पत्थर तक तोड़ दिया। इन लोगों की संख्या इतनी थी कि पुलिस बल भी केवल चुपचाप तमाशा देखती रही। बीजेपी के इन कार्यकर्ताओं की मांग थी कि ये लाइब्रेरी आई ब्लॉक में नहीं बल्कि एच ब्लॉक में बननी चाहिए थी। ये जो लाइब्रेरी जो यहाँ बना रहे हैं आनंद फानंद में, ये 14 तारीख को कोर्ट में सेशन में इसकी तारीख है, लेकिन क्षेत्रीय विधायक ने जानबूझकर राजनीतिकरण कराया इसका, क्योंकि ये दिल्ली नगर निगम के जो चुनाव आ रहे हैं उसका लाभ लेने के लिए किया है। 2,85,55,000 रुपए पूर्व विधायक श्री नंदकिशोर गर्ग जी ने पास कराए थे एच ब्लॉक के अंदर। वो दिल्ली सरकार के शहरी आश्रय सुधार बोर्ड द्वारा यह शिलान्यास समारोह ठीक 11 बजे शुरू होना था, लेकिन सुबह से ही बीजेपी समर्थकों ने यहां हंगामा मचाए रखा। हाथों में काली पट्टी और काले झंडे लिए इन लोगों ने कई घंटों तक नारेबाजी की। स्थानीय पुलिस के आला अधिकारी भी काफी संख्या में मौजूद थे, लेकिन वे केवल तमाशा देखने के अलावा कुछ नहीं कर पा रहे थे। स्थानीय आप विधायक जितेंद्र तोमर के समर्थक और आप नेता अपने मन से इसे लोगों से पूछ रहे थे, उन्हें लाइब्रेरी चाहिए कि नहीं। जिसको भारतीय जनता पार्टी सांप्रदायिक रंग लगाने के लिए, देखिए एक पुस्तकालय का उद्घाटन था यहाँ पर। पिछले 30 सालों से यहाँ के जो छात्र हैं उनकी डिमांड थी बहुत कि हमें एक लाइब्रेरी जाए, क्योंकि केरिया लाइब्रेरी नहीं है और यहाँ के बच्चों को पढ़ने के लिए आपके से जाना पड़ता था और वहाँ भी बहुत लंबी लाइन होती थी, वेटिंग लिस्ट होती थी, सब भर जाता था। इस शिलान्यास समारोह में हो रही सियासत ने साफ कर दिया कि दिल्ली नगर निगम चुनाव में स्थानीय नेता ताबड़तोड़ उद्घाटन और शिलान्यास कर रहे हैं, तो वहीं अब ऐसे नजारे भी तेजी से सामने आने लगे हैं। स्थानीय पुलिस की कमजोरी कहें या लापरवाही कि वह इसे रोक नहीं सकी। दिल्ली से दिल्ली दर्पण के लिए लोकेश कुमार के साथ नवीन कुमार की रिपोर्ट।